नमस्कार, हिना रिएक्शन टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप अपनी जगह पे मस्त है, स्वस्थ है, भले चंगे हैं, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो गाना मैं लेके आई हूँ ना, वो केलगा रवासा भगवान जी का गाना है। और सबसे बड़ी बात की अब सावन लगने वाले हैं, तो सावन से पहले ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि भाई सावन के लिए तो ये गाना आप अभी से सुनना शुरू करोगे, तो जब तक सावन आएंगे तो आपको ये गाना याद हो जाएगा। केलगा रवासा मस्त गाना है, बहुत मस्त। और हिमाचली गाने और मतलब हिमाचली वॉइस में ये गाना है, मतलब हिमाचली भाषा में ये गाना है। तो ये गाना लिखा है, गाया है ईशान भारद्वाज जी ने, जो कि भाई अब इनके लिए ना मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। ये बहुत टैलेंटेड है, ये चाहे बड़े अच्छे अच्छे गाने आए हैं इनके, और इनसे मैं एक बार मिली भी हूँ। पर क्या यार, सुपरस्टार है, मिले होते तो इन्हें तो इतने सारे लोग मिलते हैं, किस किस को याद रखें, पर हम तो इन्हें याद रख सकते हैं क्योंकि सच में सुपरस्टार है ये हमारे हिमाचली गानों के, केलगा रवासा। और सच में यार भगवान जी की कृपा रही तो मेरा चैनल और इनका चैनल अप 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 होता रहेगा, है ना। और आप सब भी ढेर सारा प्यार दीजिए इनको भी और मेरे चैनल को भी, ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे इंटैक्ट होती रहूं, बात करती रहूं आप लोगों के साथ। और कुछ नहीं, बस यही है, केलगा रवासा हम गाना सुनते हैं और सावन की तैयारी करते हैं। और जय भोलेनाथ कमेंट में जय भोलेनाथ सारे लिख देना। भगत प्यार तेरे मंदिरा मां पूजिंद, पर वो बसाख्या तेरे अंदरौली खुलिंद, भगत प्यार तेरे मंदिरा मां पूजिंद। गाने में ना सबसे ज्यादा जो वर्ड है ना वो गद्दी शब्द के हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे ना हिमाचल में ना एक गद्दी समुदाय है, मतलब गद्दी लैंग्वेज, गद्दी कल्चर है, तो इनकी जो थोड़ी थोड़ी भाषा है ना वो गद्दियाली भाषा है, जो कि मुझे भी थोड़ी समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, पर भजन बहुत अच्छा है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं हो रही, वैसे आप भजन सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सुनते हैं। ठीक है।
छवीली तेरी कुग तेरी धारा ठंडा पानी ठंडी हवा पैन फुहारा चल ओ छवीली तेरी कुग तेरी धारा ठंडा पानी ठंडी हवा पैन फुहारा चलो तो आप ये भजन जरूर सुनना और सावन तक अपनी सारी तैयारियां कर लेना, फिर इस भजन को खूब एंजॉय करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।